नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम उत्तर प्रदेश की। पीएम मोदी ने देश को संबोधित करते हुए सरकार की उपलब्धियां गिनाई। पीएम मोदी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार जल सुरक्षा पर काम कर रही है। पानी को संरक्षित करने के लिए बड़े विजन की जरूरत है। इसके साथ ही पीएम ने पिछली सरकार को घेरते हुए कहा कि पिछली सरकार पानी पर सिर्फ बात करती थी, हमारी सरकार काम करती है। हमारी सरकार में अमृत सरोवर का निर्माण कराया गया। हर घर जल वाला गोवा पहला राज्य बना है। इसके साथ ही वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों के लिए सरकार हमेशा काम कर रही है। खबर प्रयागराज से है, जहां हर तरफ जन्माष्टमी को लेकर धूम मची हुई है। जैसे कि सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में सनातन के जन्म पर सनातन धर्म में संतान के जन्म पर सोहर गाने की परंपरा है। उसी परंपरा को जारी रखते हुए लोक गायिका प्रियंका चौहान ने श्री कृष्ण के जन्म उत्सव पर सोहर पारंपरिक सोहर और गीत गाकर बधाई दी और सभी को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी। आज कृष्ण जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में मैं जो बधाई और पारंपरिक लोक गीत यानी कि सोहर गीत से मैंने आपको जोड़ा, ये बहुत ही पुरानी परंपरा है, हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ ऐसा एक गीत की शैली है, एक गीत का प्रकार है जो कि आज भी ग्रामीण अंचलों में गाया जाता है लेकिन शहरों में ये लुप्त होता जा रहा है। और सोहर गीत एक जो कि जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में गाया जाता है और ये बहुत ही पुरानी परंपरा है। खबर गोरखपुर के दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय से है, जहां छात्रों के छात्रावास को खाली कराने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसके बाद छात्रों ने इसका विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। वहीं इस मौके पर पुलिस बल समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। तीन महीनों से विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा कहा जा रहा था कि नाथ चंद्रराव छात्रावास जो कि बहुत पुराना हो गया है उसको रिन्यूट करना है, इसलिए हॉस्टल खाली होगा। सभी लीगल लड़कों को अन्य छात्रावास में स्वामी विवेकानंद संत कबीर छात्रावास गौतम बुद्ध छात्रावास उनमें शिफ्ट किया जाएगा। कल रात तक यही बातें कही गई विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा। आज अचानक पुलिस बल के द्वारा बेहद बदतमीजी तरीके से हम लोगों को हॉस्टल से निकाल के और कमरों में सरकारी ताला लगवा के बिजली पानी काट कर दिए और हम लोग बाहर कर दिए गया और यह कहा गया कि जाओ जहां मन करवा रहो प्राइवेट कमरा लेके रहो। हम जब विश्वविद्यालय छात्रावास से निकले उसके बाद हमारी बहुत सारी मांगे थी जो हम गोरखनाथ मंदिर जाकर सीएम साहब को अवगत कराना चाहते थे। उसके बाद हमें वहाँ एक बार दरबार रुका गया, उसके बाद वहाँ हम नहीं माने, उसके बाद तरक कासिम के पूरी पुलिस बल के द्वारा हमें यहाँ पर रुक दिया गया। उससे आगे बढ़ने लेके जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि पाँच लोगों को वहाँ पर मिलाएंगे और यहीं पर अपना ज्ञापन दीजिए और यहीं वापस जाइए। पूरी पुलिस बल के द्वारा हम लोग यहाँ पर रोक दिया गया है। हमारी मांग ये है कि हमें अस्थायी रूप से कहीं भी रहने की व्यवस्था की जाए छात्रावास में। ये कह रहे हैं कि हमारे हॉस्टल की बिजली पानी की सप्लाई बंद कर दी गई है, तो हमारा यही कहना है कि आप अपनी बातों को कुछ लोग एक या दो लोग यूनिवर्सिटी प्रशासन से जा करके अनुरोध पूर्वक कहें, जो भी यूनिवर्सिटी का निर्णय होगा उसके बारे में उसी तरह से हम लोग कानून का पालन कराते हुए उसको कराएंगे। और हम सभी लोगों से अनुरोध करेंगे कि जहां भी वार्ता करनी हो जाकर के शांतिपूर्वक अपनी जाकर के वार्ता करें। खबर संभल जनपद के हयात नगर थाना क्षेत्र से है, जहां मानवीय संवेदनाओं को झकझोरने वाला एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। आपको बता दें कि बीमा धनराशि हड़पने के लिए एक युवक ने अपने सगे भाई का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाया और बैंक से प्रधानमंत्री जीवन बीमा की धनराशि हड़प ली, जिसके बाद पीड़ित ने थाने में शिकायत की लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। वहीं अब न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने FIR दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। पहले तो साहब इसकी 420 के साथ जमीन लिखानी से सीधा भाई है ये, उसके बाद में जो है इसका खाता बैंक में खुलवा के एक दो महीने वो करवा के इसका बीमा कराया, जो 330 रुपये की पॉलिसी होती है उस पर दो एक किस्त देने के बाद में इसका मृत्यु प्रमाण पत्र जारी बनवा के इससे प्रधानमंत्री योजना से 2 लाख रुपये आते हैं वो इन्होंने हड़प ली। कैसे पता चला आपको? ये जब दिल्ली से जाँच आई उन्होंने जो देखा क्या साहब 2 लाख रुपये इसके मंजूर खाते में हो गए, तो उन्होंने जो देखा तो इसे सब जिंदा पाया गया, तो उन्होंने बताया कि इसके तो मृत्यु प्रमाण पर ये तो कि मरुआ दाखिल हुआ है और इसके बाद में इसके 2 लाख रुपए हुए हैं। जनपद संभल में अपराध द्वारा मुकदमा पंजीकृत कराया गया जिसमें अपने भाई पर आरोप लगाया कि मेरे पहले 6 बीघे जमीन नाम कराई गई और जब जमीन नाम कराने के बाद मेरी जीवन पॉलिसी कराई गई, जीवन पॉलिसी के बाद कुछ दिन बाद उसने फर्जी मेरा मृत्यु प्रमाण पत्र बनाया गया और
उस प्रमाण पत्र के आधार पर मेरे जीवन पॉलिसी का जो फंड था उसकी फिराक में लगा हुआ था। उसी बीच मुझे कुछ पता चला, जिस पता चलने के बाद मुझे शक हुआ, शक होने पर मैंने मुकदमा पंजीकृत कराकर अपना जो सगा भाई है इसरार है और दो अभियुक्त हो रहे हैं उनके खिलाफ तहरीर दी गई है। अभी अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराकर जाँच की जा रही है। खबर चंदौली से है जहां किसान नेता के आह्वान के बाद से किसानों का धरना 75 घंटे तक चलेगा। वहीं किसानों का आरोप है कि सरकार ने धरना कमजोर करने के लिए कोई सुविधा बहाल नहीं की है। साथ ही उन्होंने सरकार से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की है। हम लोग इसलिए बैठे हैं कि अभी MSP का मामला जो था वो अभी कानून नहीं बना रही सरकार, बार बार वादा करके वादा खिलाफी कर रही है। और ये अग्निपथ योजना है जिसे हमारे भारतीय किसान यूनियन असंतुष्ट प्रकट कर रहा है कि जो कि हमारे जवानों और किसानों के साथ अन्यायप्रिय हो रहा है। इसीलिए हम लोग राष्ट्रीय आह्वान के अनुसार हम लोग अनिश्चितकाल के लिए धरना पर बैठे हुए हैं। MSP पर सरकार कानून बनाने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा से वहाँ पर लेने के लिए कही थी, अभी तक उसमें से कोई को नहीं लिया गया और अजय टेनी को बर्खास्त नहीं किया गया। यह तमाम मुद्दों पर लेकर के वहाँ टिकैत साहब बैठे हुए हैं। धरना दरअसल हमारे राष्ट्रीय आह्वान भारतीय किसान यूनियन से राष्ट्रीय आह्वान के से आया है कि आप लोग हर ज़िले में 75 घंटे का जो है धरना चालू किया गया है। जैसा कि लखीमपुर खीरी मामले को लेकर जो है वहाँ सरकार वादा खिलाफी के साथ साथ उन लोगों के साथ अन्यायप्रिय, जहाँ के पानी की व्यवस्था नहीं दी जा रही है, जहाँ पर हमारे लाखों लाखों किसान उपस्थित हैं वहाँ पे उन लोगों को न शौचालय की व्यवस्था मिल रही है। इसी संदर्भ को देखते हुए पूरे राष्ट्रीय आह्वान हुआ है कि सभी जिले में सभी मुख्यालय पे जो है 75 घंटे का धरने का आयोजन। खबर आगरा के फतेहाबाद रोड से है जहां एक 5 सितारा होटल JP पैलेस में 10 दिन से फूड फेस्टिवल की शुरुआत की गई है। वहीं इस फूड फेस्टिवल को जश्न अवध नाम दिया गया है। आपको बता दें कि ये फूड फेस्टिवल 18 अगस्त से 28 अगस्त तक चलेगा। वहीं इस फूड फेस्टिवल के लिए खास तौर पर मास्टर शेफ नौशाद और शेफ परवेज को बुलाया गया है। साथ ही फूड फेस्टिवल के दौरान रेस्टोरेंट में गायकों की लाइव प्रस्तुति भी की जाएगी। जश्न अवध एक फेस्टिवल है जो अवधी कुजीन के ऊपर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और इसमें अवधी जो लखनऊ के फेमस नवाबों की खाना है हम उसको पेश करेंगे यहाँ पे। जैसे गोभी मुसल्लम, इतर की दाल, ये सब बहुत ही फेमस डिशेस हैं जो पुराने ज़माने में बहुत ही फेमस होते थे, हम उसको रिवाइव करके वापस ले आ रहे हैं। शिव की नगरी काशी में कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। काशी के दुर्गाकुंड स्थित इस्कॉन मंदिर में तैयारियां अंतिम चरण में हैं। आपको बता दें कि कोरोना काल के बाद कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर भक्तों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं इस मौके पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। जन्माष्टमी का इस साल, पिछले साल तो कोरोना की वजह से कम हुआ था, इस साल तो कोरोना कम है इसके वजह से बड़े हर्षोल्लास के साथ तैयारी चल रही है। और भंडारा में हमारा ये सुबह से हमारा ये लड्डू जो है 8 कुंटल मेवे की लड्डू बन रहा है भोग लगाने के लिए, और 12 कुंटल सूजी का हलवा जो कि हमारा 4 बजे से लेकर के 1 बजे रात तक अनवरत डिस्ट्रीब्यूट होता रहेगा भक्तों के बीच में। खबर सोनभद्र जिले के रॉबर्ट्सगंज से है जहां इन दिनों साफ सफाई की समुचित व्यवस्था है। वैसे तो सरकार साफ सफाई पर विशेष ध्यान दे रही है, इसके साथ ही समाज के प्रत्येक वर्ग को सफाई के प्रति जागरूक भी कर रही है। शहर से लेकर गांव तक हर जगह आम जनता को सफाई के प्रति जागरूक किया जा रहा है। समिति में साफ सफाई के लिए 1 अगस्त से टेंडर करके अथक प्रयास करके ये किया जा रहा है, साफ सुथरा रहे और भविष्य में भी साफ सुथरा रहे, जिससे किसानों को किसी तरह की गंदगी का सामना न करना पड़े। नालियाँ थी साफ करवा दी गई हैं JCB लगवा के, और जो काम छोटे मोटे बचे हैं उन पर चल रहा है। साफ सफाई अच्छी हो जाएगी मंडी के अंदर।
खबर कानपुर से है, जहां सोशल साइट पर प्रधानमंत्री और एक महिला आईएएस पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। कानपुर पुलिस की क्राइम ब्रांच में तैनात सिपाही को इस मामले में निलंबित कर दिया गया है। वहीं इस मामले में पुलिस अधिकारी का कहना है कि पुलिस विभाग की छवि धूमिल करने वाले किसी भी स्तर के अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा, जो संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ इस तरह सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार करने में शामिल होगा। आरक्षी के द्वारा सोशल मीडिया पे, खासकर ट्विटर पे, अपने दायरे से हटके कुछ मैसेजेस डाले गए थे, जो कि अपेक्षित नहीं था। हमारे सरकारी नौकरी का एक दायरा है, उसी में सीमित रहते हुए सोशल मीडिया पे अपनी प्रेजेंस रखनी चाहिए, ये हमारे कंडक्ट रूल्स का भी उल्लंघन है। इस संबंध में इसका संज्ञान लेते हुए उसको निलंबित कर दिया गया और उसके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। शाहजहांपुर के थाना जलालाबाद कस्बे में मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक बीमार बूढ़ी मां को उसका बेटा ठेली पर लादकर 4 किलोमीटर दूर अस्पताल ले गया, लेकिन तब तक मरीज की मौत हो चुकी थी। परिजनों का आरोप है कि एम्बुलेंस और पैसे के अभाव में बूढ़ी मां की मौत हो गई। दादा ये बताओ कौन है, किसकी तबीयत खराब है? मम्मी के पीठ में दर्द हुआ। हाँ। मम्मी दर्द हुआ तो मम्मी बोली जी मेरा घबराने लगा, वो आई नीचे लेट रही और वो एकदम मतलब ये बताया। एम्बुलेंस को कितनी बार फोन किया, क्या कहा, अभी कोई एम्बुलेंस नहीं आई? हमारे में तो पैसे नहीं थे, फिर तो और लोगों ने किया तो पता नहीं आई नहीं एम्बुलेंस तो कहा है? और दिल्ली वालों ने कहा तो दिल्ली वाले कोई तैयार नहीं हुए। तो ये बताइए कि स्वास्थ्य व्यवस्था, मतलब ठेली पे आप लेके जा रहे हैं, कितने किलोमीटर से लेके जा रहे हैं? हम नौहन से आ रहे हैं, चौराहे पे नल वाली गली। सर आप कहाँ लेके जा रहे हैं? हम नगरिया लेके जा रहे हैं। हमीरपुर के जिला मुख्यालय में सिटी फॉरेस्ट का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें बदमाश छात्रा के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। वहीं जिला पुलिस प्रशासन ने वीडियो के आधार पर 5 युवकों की पहचान कर हिरासत में ले लिया है, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार है। वहीं पुलिस ने आरोपियों पर गैंगस्टर सहित तमाम धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं आप सभी को अवगत कराना चाहता हूँ कि दिनांक 18 अगस्त को सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो प्राप्त हुआ था, जिसमें यहाँ पर एक सिटी फॉरेस्ट एरिया में एक वयस्क लड़का और लड़की मौजूद थे और गांव के आसपास के पड़ोस के व्यक्तियों द्वारा वहाँ पर पहुंचकर उनके साथ मारपीट की गई, अमर्यादित व्यवहार किया गया और उनका वीडियो बनाया गया, साथ ही पैसे की भी मांग की गई। उक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए और इस महिला संबंधी अपराध की गंभीरता को देखते हुए थाना कोतवाली सदर पर तुरंत मुकदमा पंजीकृत किया गया और इस मुकदमे में इस वीडियो के आधार पर 5 लोगों को आइडेंटिफाई करके उनको गिरफ्तार किया गया। खबर बदायूं के सिविलियन विद्यालय सखानू से है, जहां विद्यालय की छत का प्लास्टर टूटने से एक छात्र घायल हो गया, जिससे विद्यालय में हड़बड़ी मच गई। साथ ही काफी बच्चे घटना के बाद अपने घर भी चले गए, जिसके बाद बीएसए ने विद्यालय के प्रधानाध्यापक का वेतन रोकते हुए मामले का स्पष्टीकरण मांगा है। भगवान श्री कृष्ण के ससुराल औरैया जिले से ये खबर है, जहां जन्माष्टमी की तैयारियां जोरों शोरों से देखने को मिल रही हैं। आपको बता दें कि बिधुना तहसील में श्री कृष्ण और रुक्मणी का हरण कुंदरकोट से किया था, जिसकी वजह से ये क्षेत्र श्री कृष्ण के ससुराल के नाम से प्रसिद्ध है। वहीं गांव में रुक्मणी माता का मंदिर भी बना हुआ है, जहां जन्माष्टमी को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। ये तीर्थ स्थल जो रुक्मणी धाम और पीछे भयानकनाथ मंदिर, ये बहुत पुराने तीर्थ स्थल हैं। ऐसे बड़े बड़े दूर ऐसी घटना नहीं हुई जो पता लगाए। हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि श्री कृष्ण भगवान वहाँ से सुरंग द्वारा आए थे और हमारी रुक्मणी जी को यहाँ से लेके गए थे। ऐसा कार हर जगह नहीं होता, ये बहुत, और मैं चाहता हूँ कि चारों तरफ से पक्के रास्ता बन जाए, जो यहाँ लोगों को दिक्कत ना हो आने जाने में। बहुत भीड़ होती है जब लोग आते हैं बाहर से, बहुत दूर दूर से यहाँ लोग आते हैं, लेकिन थोड़ी दिक्कत होती है जो रास्ता नहीं बनी हुई है। जनपद औरैया में ये ग्राम तिरकुल पड़ता है, यहाँ पर जो है
द्वापर युग में माता गौरी जी का मंदिर था। भगवान श्री कृष्ण की आराधना रुक्मिणी करती रही। रुक्मिणी जी जो है भगवान श्री कृष्ण की आराधना करती थी और शादी के एक दिन पूर्व पहले भगवान श्री कृष्ण यहाँ आए और रुक्मिणी जी का विवाह कर लिया। खबर देवरिया से है जहां पुलिस का अपराध और अपराधियों को रोकने का अभियान जारी है, जिसके चलते पुलिस को आज बड़ी सफलता हाथ लगी। आपको बता दें कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने एक फरार अभियुक्त को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अभियुक्त के पास से तमंचा, जिंदा कारतूस, मोबाइल फोन समेत नकदी और लूट में शामिल मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। खबर सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज क्षेत्र से है जहां लगातार हो रही घटनाओं से सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश जारी है। वहीं पुलिस इन सभी मामलों को गंभीरता से लेकर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई कर रही है, जिसके बाद पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश प्रभारी और पूर्व विधायक ने गाँव का दौरा किया, साथ ही सपा विधायक पर धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप लगाया। ये सब विधायक के प्रायोजित साजिश से उनके लोगों के द्वारा हो रही है। चार दिन में 5 घटनाएं, मिसरौलिया से उदासपुर में दिन दहाड़े गौकसी और डंके की चोट पे उनके नीचे भोला सोनी हिंदूवादी कार्यकर्ता की गाय खोल करके माली मैनहा में मार दिया गया, गौकसी किया गया। राष्ट्रीय पशु पक्षी के रूप में मोर को काट करके बढ़नी चापा में खा लिया गया, काट दिया गया। प्रदेश में सरकार है, सबको विश्वास है कि कार्यवाही होगी और हो भी रही है। संपूर्ण देश और विदेश में आज कृष्ण जन्माष्टमी को बड़े ही धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। राजधानी लखनऊ में केशव नगर के नागेश्वर महादेव मंदिर में भागवत कथा के साथ ही तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मंदिर के संस्थापक और लखनऊ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष CL दीक्षित से प्राइम टीवी ने खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने कार्यक्रमों और जन्माष्टमी पर क्या कुछ विशेष है इस बारे में चर्चा भी की। आइए आपको सुनाते हैं। पूरे देश में आज जन्माष्टमी का पर्व खूब धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस वक्त हम लखनऊ के केशव नगर स्थित एक नागेश्वर महादेव का मंदिर है, यहाँ पर भागवत कथा के साथ तमाम ऐसे धार्मिक कार्यक्रम होंगे। अधिक जानकारी के लिए इनसे ही बात करते हैं। हमारे साथ CL दीक्षित हैं, जो लखनऊ बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं और मंदिर प्रांगण के संस्थापक के साथ साथ बहुत ही एक संरक्षक भी हैं। इनसे ही बात करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपसे हमसे बात करने के लिए। सर, किस तरह से यहाँ पर प्रोग्राम होंगे, किस तरह से धार्मिक कार्यक्रम किए जाएंगे? यहाँ जो है सन 2000 से जब से मंदिर की स्थापना हुई तब से कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से केशव नगर निवासियों द्वारा बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। नागेश्वर महादेव मंदिर में और इन पंचदेव जो स्थापित हैं उनकी कृपा से 2 वर्ष कोरोना के छोड़ करके ये सब 21वीं भागवत हो रही है और आज जन्माष्टमी है। आज पूरा भारत इस पर्व को मना रहा है। केशवनगर में जन सहयोग से और सभी ये परिवार की तरह पूरा हमारा केशवनगर है, हमारा ही बसाया हुआ है, तो सभी लोग जन सहयोग करते हैं और सभी लोग द्वारा हर्षोल्लास के साथ ये पर्व प्रतिवर्ष मनाया जाता है। दीक्षित जी, एक सवाल मेरा ये था कि ये बताइए कि इस बार क्या कुछ खास होने वाला है, क्योंकि हर बार अब जैसा कि आप बता रहे हैं कि विगत कई वर्षों से ऐसे कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम होते रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे, हालांकि कोरोना काल की वजह से वो कार्यक्रम नहीं हो पाए, तो इस बार क्या कुछ ऐसा खास रहेगा कार्यक्रम में जो लोगों को लगे कि यहाँ जो 2 सालों में जो कमियां रहेगी थी वो शायद पूरी हो पाए? इस बार जो है श्रीमद् भागवत कथा के साथ साथ जो उनके मुख्य चरित्र आते हैं, जैसे कल ध्रुव चरित्र था तो ध्रुव चरित्र में ध्रुव की झांकी, भगवान विष्णु द्वारा प्रकट होकर के उनको वरदान देना, इस झांकी का दृश्य लोगों को अवलोकन कराया गया, लोग बहुत प्रसन्न हुए। इसी तरह आज जन्माष्टमी में भगवान कृष्ण के जन्म के समय यशोदा नंद
वसुदेव इनकी झांकी होगी जो बालक को लेकर के यमुना नदी पार करते हुए दिखाया जाएगा। ये आकर्षण का केंद्र होगा यहाँ के और यहाँ लोग जो है हर्षोल्लास से इसका दृश्य देखेंगे और अवलोकन करेंगे और दर्शन करेंगे तथा जो है कथा का श्रवण करेंगे। दीक्षित जी ये बताइए कि ये कार्यक्रम कब से शुरू होगा और कब खत्म होगा और ये कब तक चलता रहेगा? आज जो है दो सत्र में कथा है। पहला सत्र 3 बजे से शुरू होगा और 6 बजे समापन उसका हो जाएगा। दूसरा सत्र विराम लेगा 6 बजे और दूसरा सत्र जो है 8 बजे से शुरू होगा, जो 12 बजे जब भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा उनके जन्मोत्सव मनाने के बाद विराम लेगा। कृष्ण जी का जन्मोत्सव है, बहुत खुशी की बात है, हर एक देशवासी में एक उत्साह होता है कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर। 12 बजे कृष्ण जी जन्म लेंगे, हालांकि जेल में जन्म हुआ था उनका। क्या कुछ आपको लगता है कि क्या कुछ अलग से आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए? देखिए भगवान श्री कृष्ण साक्षात परम ब्रह्म के अवतार थे और उन्होंने अपने चरित्रों से ये साबित कर दिया कि कर्म कर्मेणवाधिकारस्ते मा फलेश कदाचन, जो मनुष्य कर्म करता है उसका फल उसे अवश्य प्राप्त होता है। कर्म करने पर हमारा जो है अधिकार है, फल देना उसकी कृपा है और जो कर्म करता है उसका फल अवश्य मिलता है। आज उनके पदचिन्हों पर लोग चलने का प्रयास करते हैं, उनके बताए उपदेशों को अपने मन में आत्मसात करने का प्रयास करते हैं। गीता उपदेश आज देख रहे हो, विश्व में भी गीता का प्रवचन, गीता का मनन चिंतन चल रहा है। तो ये हमारे क्या पूरे देश के गर्व की बात है। वर्तमान जो सरकार आई है उसका सहयोग पूर्ण रहता है। अभी हमारी कलश यात्रा में प्रशासन और शासन ने बहुत सहयोग दिया, मैं उनका भी आभारी हूँ। तो ये कार्य जो है, जो सरकार है, सरकार के कारण और अच्छी तरह से हो पा रहा है। भगवान कृष्ण का सभी मेरे समस्त दुनिया में जितने भक्तों की संख्या है उसमें 50% भगवान कृष्ण जी के भक्त हैं। चूँकि आप इस क्षेत्र के काफ़ी वरिष्ठ हैं, लखनऊ में भी आपकी एक अच्छी छवि है क्योंकि आप पूर्व में भी लखनऊ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तमाम ऐसे अच्छे पद पर आप बैठे हैं। और आज ये मैं कहना चाहूँगा आपसे कि किस तरह से आप देखते हैं कि जन्माष्टमी के पर्व को जो लोग भूल गए, मतलब जो लोग नहीं मना पाए थे, आज लोग बना रहे हैं, तो किस तरह से उत्साह लोगों में दिख रहा है आपको? 2 साल जो कोरोना काल रहा उसमें जो है जितने जगह भी कार्यक्रम होते थे सब जो है बंद हो गए। लोगों में काफ़ी उत्साह था लेकिन उस उत्साह का चूक ऐसी बीमारी थी, उस बीमारी के कारण लोग परेशान रहे। आज 3रे वर्ष ये पर्व जो मनाया जा रहा है, लोगों में काफ़ी उल्लास है, काफ़ी हर्ष है। उसका परिणाम आपको मैं बताएं, 150 महिलाएं जो हमारे कलश यात्रा में उपस्थित होती थी और 70 से 80 पुरुष होते थे, अब की बार कलश यात्रा में 250 से ऊपर महिलाएं थी और 150 लगभग पुरुष थे। इसका मतलब जो जनता में जो 2 साल का न मनाने का, जन्मोत्सव न मना पाने का मलाल था, वो उत्साह के साथ अब की जनता जो है शिरकत कर रही है, भाग ले रही है, इसलिए पहले से काफ़ी उत्साह है की बात। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ सीएल दीक्षित जी, जिन्होंने कार्यक्रम के बारे में बताया और साथ ही ये भी बताया कि जो कोरोना काल की वजह से 2 सालों में जनता कृष्ण जन्मोत्सव नहीं बना पाई, वो किस तरह से हर्षोल्लास और उत्साह से साथ पूरी तरह से मना रही। कैमरा दीपक के साथ सागर थापा, प्राइम टीवी लखनऊ। खबर भगवान श्री कृष्ण के ससुराल औरैया जिले से है, जहां जन्माष्टमी की तैयारियां जोरों शोरों से हैं। आपको बता दें कि विधुना तहसील में श्री कृष्ण और रुक्मणी का हरण कुदरकोट से किया था, जिस वजह से ये क्षेत्र श्री कृष्ण के ससुराल के नाम से प्रसिद्ध है। वहीं गांव में रुक्मणी माता का मंदिर भी बना हुआ है, जहां जन्माष्टमी को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। ये तीर्थ स्थल जो रुक्मणी धाम और पीछे भयानकनाथ मंदिर, ये बहुत पुराने तीर्थ स्थल हैं
ऐसे बड़े बड़े दूर ऐसी घटना नहीं हुई जो पता लगाए। हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि श्री कृष्ण भगवान वहाँ से सुरंग द्वारा आए थे और हमारी रुक्मिणी जी को यहाँ से लेके गए थे। ऐसा कार्य हर जगह नहीं होता, ये बहुत, और मैं चाहता हूँ कि चारों तरफ से पक्के रास्ता बन जाए जो यहाँ लोगों को दिक्कत ना हो आने जाने में। बहुत भीड़ होती है जब लोग आते हैं बाहर से, बहुत दूर दूर से यहाँ लोग आते हैं, लेकिन थोड़ी दिक्कत होती है जो रास्ता नहीं बनी हुई है। जनपद औरैया में ये ग्राम तिरकुल पड़ता है। यहाँ पर जो है द्वापर युग में माता गौरी जी का मंदिर था। भगवान श्री कृष्ण की आराधना रुक्मिणी करती रही। रुक्मिणी जी जो है भगवान श्री कृष्ण की आराधना करती थी और शादी के एक दिन पूर्व पहले भगवान श्री कृष्ण यहाँ आए और रुक्मिणी जी का घर कर ले। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी।